अभी अभी पुष्पा टू का आइटम सॉन्ग को रिलीज करा गया हुआ है, और ये सॉन्ग को सुनने के बाद सच बोलो तो यार इसके जो लिरिक्स भाई इतने वाहियात इतने घटिया लगे हैं ना, मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो 2024 की वॉर्स सॉन्ग है, इतनी घटिया भाई इसके लिरिक्स को डाले गए हुए। थप्पड़ मारूंगी अबे भाई ऐसा गाना में कौन लिरिक्स डालता है यार, थप्पड़ मारूंगी तो क्यों मारना है भाई थप्पड़ यार पुष्पा भाव को, समझ रहे हो पुष्पा भाव कौन है, वो कितने लोगों का भाई थप्पड़ ने कितने लोगों का ना भाई वो लगा के आ चुका है, और उसको आप थप्पड़ मारोगे, इतना आपका हिम्मत हो गया भाई क्या कब थप्पड़ मारूंगी पुष्पा भाव को। एक और जगह तुम लोग ना ये बीट को थोड़ा सा ना इग्नोर कर दो और जाके एक बार लिरिक्स पे तुम लोग ध्यान दो, कितना वाहियात कितना टट्टी, मतलब उम्मीद नहीं था भाई। मैं ये सॉन्ग का ना थोड़ा बीट्स को सुना हुआ था, वो सुनने के बाद मुझे इतना सही लगा था, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ भाई इतना मेरे को तगड़ा लगा था बीट्स, बट सॉन्ग का लिरिक्स भाई टोटली वाहियात है। आई नो यार यहाँ अल्लू अर्जुन का फैन स्टॉक थोड़ा सा तुमको बुरा लगेगा, मैं भी अल्लू अर्जुन का फैन हूँ यार, बट मैं नहीं चाहता भाई पुष्पा पार्ट टू में इस टाइप से थर्ड क्लास वाला गाना हम सबको नहीं को मिले, क्योंकि भाई पुष्पा की एक अलग ब्रांड, पहला पार्ट का वो अंटवा सुनो ना भाई क्या है भाई, वो तुम्हें सुकून देता है क्या है, मतलब सुनने के बाद ही मन करता है कि भाई थिरकना है। और ये सॉन्ग को सुनो भाई इसका बीट्स भाई तुम्हें मोड ऑन कर देते हैं डांस के, पर जब भी वैसा लिरिक्स आता है ना थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मार, अभी भाई नहीं मारना है भाई थप्पड़, और अब पुष्पा बाबू को थप्पड़ मारोगे यार डीएसपी सर क्या कर रहे हो बाबा क्या कर रहे हो यार, कैसा म्यूजिक बना दिया। यही वजह है कि इनको ना भाई बैकग्राउंड म्यूजिक से ना रिप्लेस करा गया हुआ है, यही वजह है कि थमन सर आए हुए हैं बी अजनेश आए हुए हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज करने के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को देने के लिए, क्योंकि भाई पुष्पा के मेकर्स को पता चल गया कि इंसान का वो बात नहीं रहा जो बात के लिए पहले ये जाना जाता था। सच में भाई मतलब मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, लिरिक्स बहुत ही ज्यादा वाहियात बहुत ही ज्यादा घटिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हो, जो भी लोग अल्लू अर्जुन के जो जेन्युइन फैंस है ना वो लोग तो भाई डेफिनेटली मेरी बातों से एग्री करने वाले हैं, क्योंकि भाई ये फिल्म जस्ट एक फिल्म नहीं रहा है, ये फिल्म ना एक फेस्टिवल बन चुका है, समझ रहे हो, ऐसा ना बहुत कम फिल्मों के साथ देखने को मिलता है, और आप इतनी बड़ी फिल्मों में आप इस टाइप से लिरिक्स डालो थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मारोगे, अरे यार जब भी मैं ये लिरिक्स सुना भाई मैं बता नहीं सकता हूँ भाई मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा भाई, बहुत 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 ज्यादा बुरा लगा, लोग क्या बना दिए हैं भाई, मतलब ये सॉन्ग से ना ये फिल्म ना नेक्स्ट लेवल पे जा सकते थे, नेक्स्ट लेवल मतलब तुम लोग सोच नहीं होगे ना ये सॉन्ग इतना ज्यादा ये फिल्म को गर्म कर देती, बट अभी ये सॉन्ग को सुनने के बाद ना भाई ऐसा लग रहा है ये ना फिल्म के लिए ना ये सॉन्ग ना सबसे बड़ा ना नुकसान का सौदा कर सकती है, जो भी ये सॉन्ग को सुनेगा ना उसे ना बीट्स अच्छे लगेंगे, इसके लिरिक्स ना बहुत ज्यादा घटिया लगेंगे, बीट्स ना यहाँ है लिरिक्स भाई यहाँ है, समझ रहा हूँ ना भाई, अब मैं क्या बोलूँ यार, बट यहाँ जो भी लोगों को भाई ये सॉन्ग का थोड़ा बहुत तो वाइब लेना है तो प्लीज जाइए आप लोग तेलुगु वर्जन वाले इसके गाने को सुनिए, तेलुगु वर्जन में थोड़ा सा माहौल बना रहा है, बट यार हिंदी वाला गाना तो महावाही याद लग रहा है, यहाँ मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा है, खासकर जितना मैं उम्मीद आगे बैठा था ना इस गाने से, ये गाने ने मुझे उतना ही निराश किया है। आई होप जो इसका जो एक रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है वो बेटर लगे, और एक तो भाई ये लोग इतना लेट लेके आए हैं गाना को, 7:02 पे इन लोगों ने टाइम दिया हुआ था कि गाने को रिलीज करेंगे, बट गाना आ रहा है 8 के आसपास, ये कौन सा भाई टाइमिंग है यार, अगर आप लोग 8 रिलीज करना था तो बता देते कि 8 ही गाना आएगा। बाकी भाई अपना ओपिनियन तो मैं कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये गाना कैसा लगा, क्या पुष्पा दी ब्रांड पे ये गाना सूट करता है, ओपिनियन तुम दिल पे हाथ रख के बताना, ये नहीं क्या अल्लू अर्जुन का फैन के पीछे भाई ये गाने को तुम जज करो, दिल पे हाथ रख के बोलो पुष्पा जो एक मासियस फिल्म है जो एक इवेंट फिल्म है ऐसे फिल्म पे ऐसा गाना सूट करता है क्या, थप्पड़ मारूंगी अरे पुष्पा वो साला झुकने का नाम नहीं लेता है, उसको कौन थप्पड़ मारेगा भाई। बाकी यार ओपिनियन तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना, चलो इस वीडियो में मजे इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर बाय।